हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्व सी बी एस ई के पोलिटिकल साइंस पोलिटिकल्स ऑफ प्लान ऑफ़ डेवलपमेंट कक्षा बारहवीं जो हमारे है हमारे समक्ष आया है पोलिटिकल साइंस का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये यह चैप्टर है इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे और हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे इसमें हमारे समक्ष क्वेश्चनों के रूप में जो होगा कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको एनालाइज करेंगे समझेंगे जानेंगे और उसके बारे की विशेषताओं का जो है हम आपके समक्ष रखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के लिए और एग्जाम व्यू से भी तो हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है समझना है एनालाइज करना है लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात यह भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक like कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ दोस्तों आने से सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन्थेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हों ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो, हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है से सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों ये तो बात था आपके लिए लेकिन आप देख हमारा आज टॉपिक क्या है टूडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिट डेवलपमेंट दैट्स इंपोर्टेंट चैप्टर क्लास ट्वेल्व सीबीएसई एनसीआर साइंस इंपॉर्टेंट टेकन बाय द प्लानिंग कमीशन फॉर द बिल्डर न्यू इंडिया यू नो दैट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाय द प्लानिंग कमीशन आर

And set up of the Planning Commission in March 1950. That's important here. Therefore, the government of India is a pass a revolution. And setup of the Planning Commission March 1950. That's important period time here. That a revolution here, the accepted year of government of India. The Planning Commission plan to the structure of development in terms of five-year plan and mixed economic policy. That's important. The Indian government is accepted here, five year plan and mixed economic and policy here. The first five year plan imposes on the agriculture sector, dams, irrigation facilities. That's important here. The first five year plan here imposes on agricultural sector, dams, irrigation facilities here. It also increased the literacy rate. Its focus on saving and therefore the per capita income was increased. That's important. It was increasing our literacy rate. It's a focus on saving and therefore their per capita income was increased. The second five year plan focused on the industry development and infrastructural development. You know that is important. First, five-year plan is only here for agriculture but second five-year plan there are focus on the industry development and infrastructure development here so that agriculture sector also grow to be a uh, meet the demand of agriculture product in industry you know that there is a most important here there are part of one coin of two phase here agriculture and industry industry and agriculture the mixed economic policy India adopted the mixed economic policy mixed economic policy India adopted there are mixed economical policy here. therefore the two sector private and public could do the better in development of India you know that is important therefore the two sector private and public could do better in the development of India. The state controlled there is heavy industries and provided to the industrial infrastructure and regulate the trade and some important interventions in the agriculture. And this all the build up a new India. That's important here. The provided to the industrial infrastructure, regulate trade and some important interventions in the agriculture. This all build up a new India. दर्स इंपोर्टेंट पॉइंट हो या यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है क्लास बारहवीं सी बी एस सी के अंतर्गत है पॉलिटिकल साइंस यानी देखा जाए तो हमारा जो है राजनीति विज्ञान का जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नए भारत निर्माण के लिए योजना आयोग द्वारा की गई आरंभिक पहल क्या थी यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल साफ़ है कि नए भारत के निर्माण आप सोचिएगा कि भारत नया कैसे है दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है तो संसार में वो नया होता है और देखा जाए तो अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा मिली और उस समय जो कि ढाई सौ सालों से अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर दबदबा था और हमें गुलामी के जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया जा रहा था और मैं बता दूं कि सिर्फ़ दस हज़ार अंग्रेज़ों ने हम करोड़ों की जनसंख्या वाले को जो है अपने इशारों पर नचाया ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है कहते हैं दस हज़ार अंग्रेजी सैनिक ने हम करोड़ों से अधिक जनसंख्या के निवास करने वाले थे और हमारी ये दुर्दशा कर दी ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है कहते हैं जनसंख्या उस समय भी कहते हैं अरबों के आसपास था और इतनी जनसंख्या इतनी अधिक जनसंख्या को दस हजार सिर्फ सैनिकों ने हमारे देश में कब्जा किया और हमें गुलामी की दास्तां की तरफ धकेला और ये बहुत ही अफसोस की बात है कारण क्या था कहते ये समय भारत नहीं थी आज़ादी के समय जब हम हमें आज़ादी मिली तो उस समय भारत जो था एक सामान्य था न हमारे पास दूसरे देशों का कोई दबदबा था न किसी दूसरे देशों का हमारा कोई अपर्चुनिटी थी हम जैसे चाहें देश को हम मोड़ सकती थी, जैसे एक बालक होता है बच्चा जन्म लेते जैसे आप शिक्षा दोगे वैसा ही बच्चा आगे बढ़ेगा सेम वही होता है कि भारत उस समय आज़ाद हुआ था हम जैसे मर्जी वैसे देश को जो है प्रगति कर सकती थी लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ हमें मिली हमने इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा पाए लेकिन देखा जाए तो यहाँ भारत निर्माण के लिए योजना योग बनाई गई और योजना आयोग की काफ़ी महत्वपूर्ण पहल थी और योजना आयोग ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी आरंभिक पहल पहल की कि कैसे भारत को जो है विकास की रास्ता पर ले जाया जाए और इसमें सबसे पहले नए भारत के लिए जो योजना आयोग ने कदम उठाया वो था भारत के बाद आज़ादी के बाद देखा जाए तो भारत गरीब गरीबी से पीड़ित था हर क्षेत्र में गरीबी की संख्या बढ़ी हुई थी कहते हैं पचास परसेंट से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे और साक्षरता दर भी बहुत कम थी अगर इसी बात को मैं आज के साथ तुलना करूं तो आप हैरान हो जाओगी कि भारत में आज़ादी के समय 50 प्रतिशत से अधिक थी गरीबी रेखा और आज भी वही स्थिति पैदा है आज भी भारत में 50 प्रतिशत से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आई है वो सरकार का रिकॉर्ड है अब सोचिए क्या भारत में कुछ बदलाव हुआ है आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि गरीबी पहले भी बरकरार थी गरीबी आज भी बरकरार है साक्षरता दर बहुत कम थी हम ये बात करते हैं कि आज़ादी के समय चलिए गवर्नमेंट हमारी नहीं थी शिक्षा मुफ्त नहीं थी बहुत कुछ थी जो जिसके कारण शिक्षा सदर बहुत कम थी लोगों में समझ भी कम थी लेकिन क्या आज की तुलना आप कर सकते हो शिक्षा के सतर्क का क्या आज शिक्षा का सतर बहुत सुधरा है आप तो कहिएगा कि सरकार ने बहुत सुधार किया है पचासी परसेंट से अधिक शिक्षा का सतर बढ़ाई है और केरल में तो सबसे अधिक केरल शिक्षा है केरल जो है देश बहुत सारे का, काफ़ी शिक्षित है लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात साफ़ कर देना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि सरकार ने क्या डेफिनेशन दिया है साक्षरता दर की कि जो व्यक्ति किसी भी को लिख सके पढ़ सके समझ सके उसको साक्षर कहा जाता है लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारे देश में 50 प्रतिशत से कम बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना आता होगा और पचास से अधिक बच्चे हैं जिनको लिखना पढ़ना समझना नहीं आता है तो आप कैसे कह सकते हो कि साक्षरता दर हमारे देश की उच्च है मैं खुद इस बात को एहसास करता हूं और मुझे विश्वास है आप अपने क्षेत्र में चले जाओ आप को हर क्षेत्र में जो है बच्चे दसवीं तक हो भी होंगे लेकिन उनको पढ़ना लिखना समझना नहीं आता है सरकार जो है किस बात के लिए अपना पीठ थपथपा रही है और शिक्षा स्तर के उच्च स्तर बनाने की कोशिश कर रही है मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ आप किसी भी डिप्लोमा कोर्स में चले जाइए कहीं भी चले जाइए एक बार आप एडमिशन करवा लीजिए आप पास हो के ही निकलोगे चाहे वो चार साल में हो चाहे पाँच साल में चाहे दस साल में आप कभी ना कभी जरूर पास होके ही निकलोगे इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी और रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि बच्चे कंपार्टमेंट में जाते हैं एक दो में सब्सिडी दी जाती है लेकिन फेल पूरी तरह से नहीं होती हैं और वो बच्चा का अगर रिकॉर्ड पता करोगे पढ़ाई लिखाई में तो उनको एक लेटर तक भी लिखने नहीं आएगा ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम किस बात के लिए अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र भारत में उच्च है आज भी उच्च नहीं है और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की जो है बेरुखी और सरकार की कमजोरी है कहते हैं अगर देश में शिक्षा स्तर बढ़ेगा तो जनता की स्टैंडर्ड लाइफ भी बढ़ेगा और उनकी सक्षमता भी बढ़ेगी शिक्षा को देखा जाए तो सिर्फ आज के समय में राजनीतिक खेल बना दिया है राजनीतिक खेल बना के रख दिया है शिक्षा में लिखा होता है कि लालच बुरी वाला है लेकिन हम लोग लालच में ही पड़े हुए हैं कहते हैं जो मंत्री भ्रष्ट होते हैं उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए लेकिन हम उन्हीं मंत्रियों को चुनते हैं जो भ्रष्ट होते हैं कहते हैं गुंडे लोगों को तो समाज में जगह ही नहीं होना चाहिए लेकिन हम गुंडे लोग को ही समाज में आदरणीय स्थान दे देते हैं तो हमारी मानसिकता क्या है आप सुम स्वयं समझ सकते हो हम कैसे कह दें कि नया भारत का निर्माण हो रहा है हम जहाँ थे हम वहीं हैं पहले भी कहते हैं बहुत से ऐसी दास्ता थी जहां भारत गुलाम हुआ देखा जाए तो बहुत बड़ी दास्ता है उसको बताना समय की बर्बादी होगी आप स्वयं ही समझदार हो कहते हैं इसलिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना भी की गई कहते हैं कि भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया मार्च 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना और मिश्र अर्थ आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जो है विकास संरचना को आगे बढ़ाई गई तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना और मिश्र अर्थ आर्थिक नीतियों के संदर्भ में विकास संरचना की योजना बनाई और देखा जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र और बांधों सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया गया ये तो आप भली भांति याद ही होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के लिए हर संभव कोशिश की गई थी इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसमें जो है बचत पर जोर दिया गया इसलिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई गई तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इससे साक्षरता दर में काफ़ी वृद्धि हुई और इसे बचत पर जोर दिया गया और इससे प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना अध्ययी विकास और ढांचागत विकास के ऊपर केंद्रित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी कहते हैं अध्यौिक विकास और ढांचागत विकास पर केंद्रित की गई थी ताकि उद्योगों में कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी बढ़े यानी उद्योगों में कृषि और उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी थी देखिए अगर कोई उद्योग लगाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो कृषि से ही संबंधित होती है ये तो आपको समझ होगा ही होगा कि कोई उद्योग लगाई जाएगी तो कृषि का ही अपना महत्वपूर्ण है कि कृषि के अंतर्गत ही उन्हें कच्चे रो मटेरियल मिल सकता है और देखा जाए तो उद्योग और कृषि एक ही सिक्के के दो तो पहलू की तरह नजर आती हैं अगर मान लीजिए उद्योग नहीं रहेगा तो सामान आगे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा और कृषि नहीं रहा तो उद्योग नहीं चलेगा यानी ये दूसरे दूसरे पर डिपेंडेबल है कहते रहे अगर ये नहीं रहेगा तो वो, तो रहे तो वो ख़त्म होगा वो ख़त्म होगा तो ये खत्म हो जाएगी अगर उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि को हम कैसे दूसरे मटेरियल में बदलेंगे बात वही पड़ गई ना इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं देखा जाए तो मिश्र आर्थिक नीतियाँ भारत के मिश्र आर्थिक आर्थ नीतियों को अपनाई गई है और मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण थी इसलिए भारतीय विकास में निजी और सभी क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हम जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपना रहे हैं जिसके कारण भारत में निजी और सभी क्षेत्र दोनों ही बेहतर जो है कर सकते हैं राज्य ने भारी उद्योग को नियंत्रित किया है और औद्योगिक बुनियादी ढांचा विनियम व्यापार और कृषि में मुख्य महत्वपूर्ण हाशेप प्रदान भी की गई है और यह सब एक नए भारत का निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रह सकती है तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था आए क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है तो आप बने रहे तिरपाण स्टडी सेंटर के साथ जितना हो सके है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए जितना हो सके शेयर कीजिए शेयर कीजिएगा तभी तो उस बच्चे का केयर होगा पहली बार मेरे चैनल पे आए हो पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और जरना सी बात कहते हैं जो अच्छा लगे उसको सेव करना ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर एड्स से लेकर एम तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है तो आप एक बार जुड़िएगा तो कई सालों तक तिरपान सेंटर साथ जुड़े रहिएगा और भी फायदेमंद के साथ सोचिए नहीं विचार न कीजिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए